आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो आप अपनी तस्वीर में देख रहे हैं, ये कोई महल नहीं है, कोई राजा महाराजा के रहने की जगह नहीं है, ये एक रेलवे स्टेशन है। बिल्कुल आपने सही पहचाना, ये एक रेलवे स्टेशन है और इतना खूबसूरत है, भारत की धरोहर है, इसीलिए तो इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है, आज से 250 साल पुराना है ये। और आपको बता दूं कि ये दुनिया भारत का सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है। जी हाँ, अब ये है कहाँ पे? अरे मुंबई में है। मुंबई जो कि भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है, भारत का दिल है मुंबई, तो ये कहां पे है? मुंबई में, छत्रपति शिवाजी, सीएसटी इसको बोला जाता है। हालांकि पहले इसको विक्टोरिया टर्मिनस बोला जाता था, क्योंकि जब ये बनाया गया था तब क्वीन विक्टोरिया की गोल्डन जुबली थी। और पहले तो, अगर आज भी आप देखें, पहले जितने भी ब्रिटिश मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं वो विक्टोरियन स्टाइल में ही बनाए गए हैं, ठीक है, इटालियन स्टाइल, विक्टोरियन स्टाइल, ऐसे ही आपको सारे के सारे मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। कोई भी देख लीजिए, विक्टोरिया मेमोरियल हो गया, या इनफैक्ट इसी के सामने ही एक कॉर्पोरेट बिल्डिंग है उसको भी इसी स्टाइल में बनाया गया है, चर्च गेट हो गया मुंबई का रेलवे स्टेशन। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जितने भी मॉन्यूमेंट्स है वो एक ही स्टाइल में बनाए गए हैं। क्वीन विक्टोरिया को भैया बहुत ट्रिब्यूट दिया है ब्रिटिशर ने, बहरहाल वो एक अलग चीज है। तो इसको 1888 में 1888 में बनाया गया, ठीक है, और भारत का बहुत ही बिजी रेलवे स्टेशन है। वैसे आपको बता दूं कि भारत के अगर टॉप 10 रेलवे स्टेशन की बात करें, जहां पे हजारों हजारों ट्रेन आती हैं, ठीक है, और बहुत क्विकली मैनेज करना पड़ता है सब कुछ, और भारत हर जगह के लिए आपको ट्रेन मिलेगी, कानपुर हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, मुगल सराय हो गया, हावड़ा हो गया, ठीक है, झांसी हो गया, और मुंबई हो गया, छत्रपति शिवाजी, सीएसटी हो गया, तो यहां से आपको भारत के हर जगह के लिए ट्रेनें मिलेंगी, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। और वैसे भी हम भारतीय तो रेल से कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं, ट्रेन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। भैया जब हम छोटे थे तो अपने आप ही इंडियन रेलवे की तरफ ड्रिफ्ट हो गए थे, हर किसी को ट्रेन बहुत ज्यादा पसंद होती है और बहुत ही एक्साइटेड रहते जब हम छोटे थे ना, कितने एक्साइटेड रहते थे, ट्रेन से जाएंगे, ट्रेन देखेंगे, ठीक है। तो इंडियन रेलवे से तो हमारा प्यार बहुत ही पुराना है। तो ये लेक्चर 7 है दोस्तों, टोटल 6 लेक्चर्स आ चुके हैं। इससे पहले मैंने पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क को कवर किया था, और उससे पहले मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए थे। जो पहला लेक्चर था वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, तो आप जरूर देख लीजिएगा उसे, किस तरीके से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को घोषित किया जाता है, उसके क्या इफेक्ट होते हैं अगर एक बार घोषित हो गई, तो वो सारी चीज मैंने कवर की है, ठीक है। ये लेक्चर 7 है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, या जिसको पहले विक्टोरिया टर्मिनस बोलते थे, आज सीएसटी बोलते हैं, पहले इसको वीटी बोला जाता था, ठीक है। सेट अंडरस्कोर रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह पर चक्कर पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप 2020 यानी कि अगले साल यूपीएससी सीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो स्टडी आईक्यू के कोर्सेज को जरूर अवेल करिए। हमने सारे सिलेबस को कवर किया है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी हैं, हाँ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी कवर किए हैं, विथ इंडिया टॉप फैकल्टी, सिर्फ और सिर्फ 625 रुपए प्रति माह से स्टार्ट। तो दोस्तों ये सारे सारे सारी साइट्स हम कवर करने वाले हैं। हमने आगरा फोर्ट को देख लिया, हमने अजंता केव्स को देख लिया, हमने नालंदा महावीरा को देख लिया, हमने बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची को देख लिया, हमने चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क को देख लिया, और आज हम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को देख रहे हैं। 2004 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया, ये कमाल की बात है। उसके बाद फिर एक एक चीज हम देखेंगे, ठीक है, धीमे धीमे करके। वैसे आपको बता दूं कि इसमें एलिफेंटा केव्स भी मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी आप जाते हैं तो वहां से एक्चुअली एक तो वो बिल्कुल मुंबई के सेंटर में स्थित है, ठीक है। वैसे भी रेलवे स्टेशन जो होते हैं, जैसे एयरपोर्ट तो सिटी के बाहर होते हैं, ठीक है, काफी दूर जाना पड़ता है आपको, लेकिन जो रेलवे स्टेशन होते हैं ना वो बिल्कुल सेंटर में होता है, जो शहर होता है उसके बिल्कुल बीचों बीच स्थित होते हैं, वहीं से ही शहर शुरू होता है। और यहां से आपको हर जगह की बस मिल जाएंगी, बस भी चलती है, टैक्सी भी चलती है, आप कर लीजिए, बहुत सारी जगह है अगल बगल, अगर आप देखें वीटी के अगल बगल, तो घूमने लायक बहुत सारी जगह है दोस्तों। गेटवे ऑफ इंडिया चले जाइए, वो भी बिल्कुल बगल में है, मुंबई यूनिवर्सिटी, जुहू बीच, मरीन ड्राइव, जो एक तरीके से मुंबई मरीन ड्राइव से ही तो पहचाना जाता है, बहुत सारी मूवीज की शूटिंग होती है, मरीन ड्राइव वहां पे है, संजय गांधी नेशनल पार्क, एलिफेंटा कैब जो खुद भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो सब कुछ आप आराम से जाइए, घूमिए, मुंबई बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन ये तो पक्की बात है 2-3 दिन में तो आप नहीं घूम पाएंगे, कम से कम 1 हफ्ते का समय लेके जाइए। वैसे आपको बता दूं
कि अपने सपने पूरे करने जाते हैं। सपनों का शहर है मुंबई, ठीक है ना, बहुत सारे, सबसे ज्यादा अगर किसी भी ट्रेन में भीड़ रहती है तो जो दिल्ली जाती है तो उस वाली ट्रेन में भीड़ रहेगी, और एक जो मुंबई जाती है, ठीक है ना, तो यहाँ पे अपने सपनों को पूरा करने जाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि मुंबई में काम इतना ज्यादा है, बहुत काम है वहां पे, लेकिन लोग नहीं है, इसीलिए काम की तलाश में मुंबई में डेली हजारों हजारों लोग आते हैं, ठीक है, और बहुत के सपने तो सच भी हो जाते हैं, कुछ नहीं लेके आए होते और करोड़पति बन जाते हैं, ऐसे बहुत सारी कहानियां है कि नहीं। तो ये कल्चरल साइट्स है, ये सब एक एक चीज हम रिव्यू करने वाले हैं। उसके बाद नेचुरल पार्क भी हम रिव्यू करेंगे दोस्तों, जो नेचुरल साइट्स हैं इसमें ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, काजीरंगा, क्यूला देव, नंदा देवी, मानस, सुंदरबन, वेस्टर्न घाट्स। अब मैं सोच रहा हूं कि अगला जो लेक्चर लूंगा वो मैं कुछ नेचुरल साइट्स उठाऊंगा, ठीक है, सुंदरबन और वेस्टर्न घाट, ठीक है, और एक मिक्स्ड है, ठीक है, इसको इसको भी हम देखेंगे। तो अगर सीएसटी की बात करें दोस्तों, तो इसको विक्टोरियन गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बनाया गया है। आपको आप जो भी ब्रिटिश के आर्किटेक्चर अगर आप देखें तो सब विक्टोरियन गोथिक स्टाइल के ही हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े डोम शेप आपको मिलेंगे, प्रॉपर स्टोन कार्विंग्स मिलेंगी, बहुत ही खूबसूरत। आपको बता दूं कि सीएसटी में जो दीवारें हैं ना, दीवार पे जानवर बने हुए हैं, स्टोन कार्विंग्स, स्टोन्स को काट के खूबसूरत चीजें बनाई गई हैं। यहाँ पे बड़े बड़े लोगों की तस्वीरें रखी गई हैं। जैसे ही आप सीएसटी में एंटर करेंगे, एक साइड में आपको शेर मिलेगा, लायन मिलेगा, और एक साइड में आपको टाइगर मिलेगा, बाघ मिलेगा, मतलब असली में नहीं मिलेगा, इनकी इनकी स्टोन कार्विंग्स है, ठीक है ना, इनका स्कल्पचर है। तो एक तरीके से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में तो भैया ढेर सारे स्कल्पचर मिलेंगे, इसीलिए तो ये इतना खूबसूरत है। और बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, ये सिर्फ एक रेलवे स्टेशन ही नहीं है, एक तरीके से म्यूजियम है, आप यहाँ पे घूम भी सकते हैं, और बहुत ही ऐसा लगता है कि हम महल में आ गए, लेकिन है ये रेलवे स्टेशन, ठीक है ना। तो ये चीज है। इसको दोस्तों 1888 में ये कंप्लीट हुआ था, 1878 में इसको काम इसका काम शुरू किया गया था, लेकिन 1888 में ये कंप्लीट हो गया था। और ये हेडक्वार्टर्स भी है सेंट्रल रेलवे का, हर रोज 30 लाख लोग यहाँ पे आते हैं, ज्यादा ही है दोस्तों, वैसे 30 लाख लोग से ज्यादा ही होंगे, 30 लाख लोग यहाँ से आते हैं और सफर करते हैं। अब एक्चुअली देखिए, मुंबई बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तीन चार शहर को मिला दीजिए तब आप मुंबई, मतलब मुंबई बनेगा, ठीक है। तो अगर मुंबई की बात करें तो अब यहाँ पे कुछ और भी चीज तो चलनी हो चलानी पड़ेगी ना, वरना तो कैसे ट्रैवल करेंगे। तो भैया चलती है यहाँ पे लोकल ट्रेन, जो कि मुंबई का दिल है, हाँ देश का दिल मुंबई और दिल्ली, डेफिनेटली भैया दिल्ली वाले बुरा ना माने, और मुंबई का दिल है लोकल ट्रेन्स। तो लोकल ट्रेन्स चलती हैं, कहीं पे भी जाना है, बहुत ही सस्ता टिकट होता है, 10-15 रुपए आप ले लीजिए, कहीं पे भी चले जाइए। और ये हर पॉइंट को कनेक्ट करती है, जिस तरीके से दिल्ली में मेट्रो हर एक पॉइंट को कनेक्ट करती है, हर जगह मेट्रो स्टेशन है, वैसे ही मुंबई में लोकल ट्रेन्स ठीक वैसे ही चलती है, हर एक पॉइंट के मुंबई को कनेक्ट करती है लोकल ट्रेन। बहुत भीड़ होती है, जबरदस्त भीड़ होती है, ठीक है ना, चर्च गेट, बैंड्रा, यहाँ तो बहुत ही जबरदस्त भीड़ होती है जहां पे ये ट्रेन जाती हैं। तो हम ये देखते हैं कि लोकल ट्रेन सीएसटी से निकलती हैं, जी हाँ लोकल ट्रेन सीएसटी से निकलती हैं, कई ट्रेन यहीं से बन के चलती हैं और यहां से निकलती हैं। पहले बोरी बंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया था बॉम्बे का। देखिए दोस्तों, जब ब्रिटिशर आए, ठीक है, तो पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ठीक, परमिशन ले ली मुगलों से, यहां पे ट्रेड करने लगी, लेकिन धीमे धीमे ईस्ट इंडिया कंपनी बड़ी ताकतवर होने लगी थी, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वैसे तो मेन तीन जगह अपना सेंटर बनाया था और तीनों पोर्ट सिटी थे, क्योंकि देखिए उस समय कोई भी इंसान को अगर ट्रेड करना है तो वो कहां पे अपनी नजर गड़ाएगा, जहां पे समुद्र हो, जहां पे पानी हो, क्योंकि पानी से ही तो ट्रेड होता था ना, ना ना रेलवे थी ना शिप था, ठीक है भैया। भारत में रेलवे तो ब्रिटिशर ही लेके आए, लॉर्ड डलहौजी, 1853, याद है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो यहां पे हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आई थी और उसने तीन सेंटर्स बनाए थे, ये आपको पता ही होगा, मैं बता चुका हूं। सबसे पहले तो बंगाल में, बंगाल तो सबसे इंपॉर्टेंट था, यहीं पे अटैक किया था, क्योंकि यहां से बहुत सारी चीजें उनको मिल गई थी, रिसोर्सेज मिल गए थे और एक तरीके से पोर्ट मिल गया था, ठीक है, बे ऑफ बंगाल था वहां पे बगल में, तो कनेक्टिविटी बहुत बेहतरीन थी, इसलिए बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर था मुंबई, मुंबई तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा भैया, है कि नहीं, अरे अरेबियन सी बगल में है ना, तो मुंबई तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, मुंबई आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्ट सेंटर है भैया भारत का, सारा बिजनेस यहीं से होता है, ठीक है। तीसरा कौन सा था, मद्रास, ठीक है, मद्रास नीचे इंडियन ओशन। तो हम देखते हैं कि तीनों दिशाओं में ये सेंटर्स स्टैब्लिश हो गए थे, और बाद में ये पहले तो रेसिडेंसी थे और बाद में ये प्रेसिडेंसी हो गए, तो यहीं से ही सारी चीजें कंट्रोल होती थी, ठीक है, यहीं पे ही किले बना दिए। तो पोर्ट अगर डेवलप हो गया है तो
तो कोई ना कोई ऐसा चीज होनी चाहिए ना जहां से हम पूरा अच्छे से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सके, रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं और हमको भेजना है बाहर, ठीक है, ब्रिटिश यही तो करते थे ना, भारत से रॉ मटेरियल बाहर भेजती थी, तो हमको कोई एक ऐसी चीज बनानी पड़ेगी जहां से ये चीजें बहुत ही आसानी से हम शिप में अनलोड कर सके, ठीक है। तो क्या होगा, ये एक रेलवे स्टेशन बना दो, ठीक है। तो पहले बोरी बंदर था, ठीक है, बाद में वीटी बना दिया गया, विक्टोरिया टर्मिनस। और किसने बनाया, एफ डब्ल्यू स्टीवंस, फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस, ये 1867 में भारत आए थे और इन्होंने भारत के लिए बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई है, ठीक है ना, और फिर भारत में ही रहने लगे थे और बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग बनाई है। 1878 में ये काम इन्होंने शुरू किया था और 1888 में विक्टोरिया टर्मिनस वीटी का काम जो है वो पूरा किया था। और आपको शायद इनका नाम को भी पता भी नहीं होगा, इतिहास में मिलेगा नहीं। 1884 में ये यहीं पे शिफ्ट हो गए थे, उन्होंने अपना अपना ऑफिस खोल लिया था। और उसके बाद इनको एक और बहुत बड़ा असाइनमेंट मिला था, कंसाइनमेंट मिला था कि भैया बंबई की म्युनिसिपल बिल्डिंग बना दो। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल्डिंग भी इन्होंने बनाई और वो भी एकदम वीटी की ही तरह है और स्टेशन के ठीक सामने है, ठीक है, सीएसटी के बिल्कुल सामने आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग मिलेगी जो कि एफ डब्ल्यू स्टीवंस ने बनाई, ठीक है ना। तो ये चीज, और इन्होंने और भी बहुत सारी चीजें बनाई है, ठीक है, और स्टाइल सबकी सेम है, ठीक है, सब विक्टोरियन गोथिक स्टाइल है, बहुत ही खूबसूरत। 1996 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस इन ऑनर ऑफ द एम्परर छत्रपति, इसको घोषित कर दिया गया, जो कि मराठा एम्पायर के फाउंडर थे, ठीक है ना, बहुत ही जबरदस्त। पहले तो मुगल्स, फिर ब्रिटिश, लेकिन इसी बीच एक ऐसा एम्पायर उदय, एक ऐसे एम्पायर का उदय हुआ जिसने पूरे भारत को जीत लिया, ठीक है। मुगल्स के बाद आए थे छत्रपति शिवाजी। अरे महाराज छत्रपति शिवाजी तो इतने बहादुर थे कि औरंगजेब ने तो बोल दिया था कि मेरी सबसे बड़ी गलती है मैं इनसे भिड़ गया, कभी भी वो जीत ही नहीं पाया था, ऊपर से औरंगजेब की नाक में दम कर दिया था। गजब वॉरियर थे दोस्तों, क्या जबरदस्त। इनकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, ठीक है, जरूर देख लीजिएगा। तो 1996 में सीएसटी छत्र विक्टोरिया टर्मिनस नाम बदल के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कर दिया गया। लेकिन 2016 में मोदी जी जब आए, 2014 में और 2016 में, फिर मोदी मिनिस्ट्री ने ये बोला कि महाराज बिल्कुल ऐड कर दो। वैसे भी जब भी हम छत्रपति शिवाजी का नाम लेते हैं हमेशा महाराज बोलते हैं, बिल्कुल हमेशा महाराज, तो महाराज जरूर लगा दीजिए। तब से ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, इस समय महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार है, देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, तो तब से इसको सीएसटी, हालांकि सीएसटी अभी भी पॉपुलरली यूज होता है, लेकिन महाराज जो वर्ड है वो एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया, ठीक है, 2016 के बाद से। अब अगर हम सीएसटी की बात करें दोस्तों, तो इसमें 18 प्लेटफॉर्म्स है, बहुत ही ज्यादा 18 प्लेटफॉर्म्स है, 1 से 7। तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी जाना है तो ट्रेन यहीं से आपको मिलेगी, ठीक है, लेकिन 8 से 18 जो लोकल ट्रेन चलती है ना मुंबई में लोकल ट्रेन के लिए, वो 8 से 18 है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इन प्लेटफॉर्म्स पे भीड़ होती है। बाकी यहाँ पे बहुत सारी डॉर्मेट्रीज है, अब तो वैसे स्टेशन में दोस्तों डॉर्मेट्रीज हो गई हैं, आपको बता दो, हो सकता है बहुत लोगों को पता ना हो कि अगर आप होटल नहीं बुक कराना चाहते तो आप रेलवे की डॉर्मेट्रीज बुक करा लीजिए, रेलवे के रिटायरिंग रूम्स बुक करा लीजिए। और विश्वास मानिए दोस्तों, कोई इंसान अगर मान लीजिए फर्ज करिए अगर मुंबई घूमने जा रहा है, ठीक है, मुंबई ही घूमने जा रहा है, तो अगर आप होटल लेंगे तो बहुत महंगे, 2000-3000 के मिलेंगे। तो एक काम करिए आप, सबसे बेस्ट होता है आप रेलवे की वेबसाइट खोलिए, ठीक है, एकोमोडेशन पे जाइए, अपना पीएनआर नंबर डालिए, वहां पे बेड बुक करा लीजिए। और बहुत ही खूबसूरत बेड्स है दोस्तों, और हर स्टेशन में बहुत ही अच्छे बेड्स मिलेंगे। वो एक बेड आपका पता है कितने में बुक होगा, 30 से 40 रुपए में, लग्जरी होगा तो 60 रुपए, 100 रुपए में, तो 100 रुपए में आपका एक दिन का पूरा खर्चा निकल आएगा, आप समझ रहे हैं ना। तो आजकल ये फैसिलिटी जो है वो प्लेटफॉर्म्स पे आ गई है और बहुत ही अच्छा है। अगर आप रूम भी बुक करा सकते, लेकिन वो भी बहुत सस्ते होते हैं, ठीक है, हालांकि एडवांस बुकिंग करा के जाइएगा क्योंकि पहले से ये बुक हो जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश करिएगा आप वेबसाइट से ही पहले से ही बुक करा ले, और मुश्किल से वो 40-50 रुपए लगते हैं और आराम से घूमिए, सोचिए आपके 2-3 हजार रुपए बच जाएंगे, मेरा थैंक्स करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे डॉर्मेट्रीज और बहुत सारे बेड्स भी आपको मिलते हैं, ठीक है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम देखें तस्वीरें, ये 1910 की है, पुराना कैसा लगता था देख लीजिए भैया, 1910 में किस तरीके से वीटी लगता था, है ना, ये बच्चे हैं खूबसूरत है, शायद ट्रेन देखने आए होंगे। और ये अभी प्रेजेंट तस्वीर है, ठीक है, अंदर आप जाएंगे, जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो इस तरीके से आपको नजारा देखने को मिलेगा। और ये देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल यहाँ पे प्लेटफॉर्म के लिए एंट्री है, ठीक है, ये एक लोकल ट्रेन भी खड़ी हुई है, बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन आप जैसे स्टेशन के अंदर घुसेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे म्यूजियम्स भी हैं, आई मीन बहुत सारी चीजें देखने लायक जगह है, ठीक है, म्यूजियम्स भी हैं, तस्वीरें भी हैं, पेंटिंग्स भी हैं, बड़े बड़े हॉल है, वो भी आप चाहें तो
देख सकते हैं, ये देख लीजिए बिल्कुल स्टेशन के अंदर का नजारा, स्वच्छ भारत अभियान, ये तो लोकल ट्रेन्स के लिए है दोस्तों, ठीक है। ये जो पूरा जो आप परिसर देख रहे हैं ये पूरा लोकल ट्रेन्स के लिए है, और ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग बिल्कुल पुराने जमाने में पहुंच गए हैं। स्टेशन में बहुत ज्यादा गंदगी होती है दोस्तों, लेकिन अच्छा है स्वच्छ भारत अभियान ने एटीट्यूड तो चेंज कर दिया है। बहुत सारे भारत के स्टेशन में अब बहुत सफाई होने लगी, ये बहुत बढ़िया काम है, बहुत ही बढ़िया। तो ये एक लेक्चर था विक्टोरिया टर्मिनस या फिर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, 2004 में इसको घोषित किया गया। आई होप आपको पसंद आया होगा, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। अच्छा एक चीज और मैं बताना भूल गया, 2007 में जो मुंबई में अटैक्स हुए थे, टेरर अटैक्स, अजमल कसाब ने जब अटैक किया था बहुत सारे लोगों की जान ले ली थी, तो वीटी उनका सबसे, वीटी को उन्होंने निशाना बनाया था, सबसे जो सेंटर ऑफ अटैक था वो वीटी था, सबसे पहले यहीं गया था, और यहां पे धड़ाधड़ उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। बिल्कुल सही किया, पकड़ के इसको फांसी पर लटका दिया गया, ठीक है। मैं तो बोल रहा था पब्लिक के हवाले ही कर देते, पब्लिक उसका 100 100 ग्राम बांट के ले जाती, बहुत ही बढ़िया रहती, ठीक है। लेकिन 2007 में उसको फांसी हो गई, सॉरी 2007 में उसने टेररिस्ट अटैक किया, और मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, आप देख लीजिएगा दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, उसमें मैंने पूरा बताया कि मुंबई अटैक्स कैसे हुए थे। तो ये एक लेक्चर था, पसंद आया हो तो जरूर शेयर करिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।